नमस्कार, मैं संदीप आप सभी का ऑल इन वन स्टडी सेंटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम लोग एचएसएससी स्टाफ नर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे। और जैसा आप जानते हैं, कैटेगरी नंबर 10 में 1584 वैकेंसीज थी, जबकि 19 में है 24 वैकेंसीज, यानी कुल मिला के हो गई थी 1608 वैकेंसीज, जिनके लिखित परीक्षा एक संयुक्त परीक्षा के रूप में दोनों कैटेगरी की एक ही परीक्षा ली गई थी। फिर बाद में प्रेफरेंस की बात होगी। खैर, यहाँ पे 1608 वैकेंसीज में रिजल्ट आएगा। और जैसा अब तक एचएसएससी करता है, 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाता है, इन लगभग 4800 प्लस कैंडिडेट को यहाँ पे डीवी के लिए बुलाया जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैटेगरी के हिसाब से। आप जानते हैं जनरल की 696 वैकेंसीज थी, जिसमें 124 वैकेंसीज जो है ईएसएम कैटेगरी की थी और 15 वैकेंसीज जो है यहाँ पे ईएसपी की थी। एससी में टोटल 294 वैकेंसीज थी, 246 जनरल में आती हैं, नॉन ईएसएम नॉन ईएसपी कहा है, जिसमें ईएसएम की 33 और ईएसपी की 15 वैकेंसीज। बीसीए में 250, बीसीबी में 186 और ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 158, निकुल 1584। अब एक बार हम लोग पिछला एचएसएससी के रिजल्ट जो आया था उसकी बात कर लेते हैं। लास्ट टाइम जो है एससी की अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें, तो टोटल जो वैकेंसी थी 926 वैकेंसीज थी, 926 कुल वैकेंसीज थी पिछली बार एचएसएससी एडवर्टाइजमेंट जो 2015 में जारी की गई थी, 1/2015 एडवर्टाइजमेंट, और इसमें कैटेगरी नंबर 1 थी स्टाफ नर्स के लिए। टोटल 926 वैकेंसीज थी इसमें, जिसमें से जनरल की 229 वैकेंसीज थी। उसके बाद जो एसबीसी कैटेगरी थी उसको भी इसमें शामिल कर लिया था। तो यहाँ पे उस समय 104 रिजल्ट रहा था, 104 पे कट ऑफ थी, जनरल वेटिंग 100 पे लगी थी। और एससी की 163 वैकेंसीज पे यहाँ पे 70 पे कट ऑफ रही थी आउट ऑफ 200, 200 की बात है। उसके बाद आप जानते हैं 2020 में फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था स्टाफ नर्स का, जिसमें एसबीसी की 91 वैकेंसीज शामिल करके 320 पे रिजल्ट आया था। तो जनरल की जो है 100 पे कट ऑफ आ गई थी और जनरल वेटिंग लगी थी 98 पे। बीसीए 83 पे था और बीसीए वेटिंग 80 पे, जबकि बीसीबी 80 पे थे, यानी 80 और 83 थे बीसीए और बी में। ईएसएम जनरल में आप देखेंगे 99 कट ऑफ जो है ईएसएम जनरल की कितनी रही थी, 99 कट ऑफ रही थी। और टोटल आप देख सकते हैं यहाँ से 200 में से था, जिसमें से 160 लिखित परीक्षा के थे, 16 एक्सपीरियंस के नंबर थे, 24 इंटरव्यू का था। इस हिसाब से टोटल 200 थे। इस बार आप जानते हैं 90 नंबर का पेपर हुआ है और उसमें से 10 नंबर जो है इंटरव्यू तो है ही नहीं, 90 प्लस 10 सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, जिसमें 5 नंबर फैमिली में कोई जॉब में नहीं है, एक्सपीरियंस है, फादरलेस है, अलग अलग टर्म एंड कंडीशन उनकी बनाई गई है। तो यहाँ पे अब 90 में से हम अगर देखें, पिछली बार 926 वैकेंसीज के लिए जनरल की जो कट ऑफ थी वो 50% पे थी, यानी 200 में से 100 पे थी, 100 में से मान लीजिए कि कितने पे कट ऑफ लगी थी, 50 पे। फाइनल कट ऑफ की बात करें, यहाँ पे 1584 और 24 1608 वैकेंसीज इस बार हो गई, थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मोस्टली बच्चों ने जो अलग अलग वीडियो पे कमेंट करके यहाँ पे बताया, उनका स्कोर 50 से 60 है मैक्सिमम वालों का। हालांकि इससे कम भी ज़्यादा भी 70 प्लस वाले बच्चे भी यहाँ पे हैं, जो जनरल कैटेगरी में 70 वाले, यानी 60 प्लस जिनका स्कोर है वो तो अपने आप को सेफ जोन में समझें, यानी जो 60 प्लस स्कोर लेके हैं वो तो अपने आप को सेफ जोन में समझेंगे, क्योंकि उनका सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, उतने ही उनके चांसेस यहाँ से बढ़ जाएंगे। उसके बाद सबसे पहले कैटेगरी के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जनरल कैटेगरी में कट ऑफ जो है 50 प्लस माइनस 2-3 नंबर यहाँ पे हो सकती है, 50 प्लस 2-3 नंबर यहाँ पे रहेंगे, यानी प्लस माइनस 2-3 यहाँ से नंबर हो सकते हैं इसी के आसपास। जनरल की डीवी के लिए कट ऑफ की अगर हम बात करें, रिटर्न के लिए डीवी के लिए अगर हम बात करें, उसके बाद एससी कैटेगरी की अगर हम देखें, एससी कैटेगरी में यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं 294 टोटल वैकेंसीज हैं और एससी की कट ऑफ जो है वो 40 के आसपास रह सकती है, 40 से 2-3 नंबर कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। और उसके बाद बीसीए और बीसीबी में बहुत ज़्यादा फ़र्क यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। बीसीए और बी में यहाँ पर जो कट ऑफ है वो भी 40-42 नंबर के आसपास रह सकती है, 2-3 नंबर यहाँ से कम ज़्यादा हो सकते हैं, यानी 45 के आसपास मान लीजिए आप लोग, इसी के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रह सकते हो, क्योंकि 5000 बुलाएंगे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लगभग 4800 कैंडिडेट यहाँ पे डीवी के लिए। और आप लोगों को पता लगातार न्यूज़ में भी आ रहा है कि रिटर्न का रिजल्ट तो जल्दी आएगा ही, जैसे सैटरडे संडे को पेपर था, मंडे को आंसर किया है, 2 दिन के ऑब्जेक्शन मांगे हैं, उसके बाद 5-7 दिनों में डीवी के लिए बुला लिया जाएगा यहाँ पे। और डीवी तो ऑनलाइन होने की संभावनाएं हैं कि डीवी ऑनलाइन होगा, एक हाथ पेपर चलते रहेंगे और दूसरी साइड जो है डीवी होगा, और वो भी ऑनलाइन तरीके से। ऐसी बार बार न्यूज़ भी आ रही है, चेयरमैन साहब का इस तरीके से बयान भी आ रहा है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है जनरल कैटेगरी की 50 के आसपास, 60 प्लस वाले बिल्कुल अपने आप को सेफ जोन में रखें, वहाँ तो उनका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, कोई किंतु परंतु नहीं है। और डीवी में तो 100% है ही, एससी में 40 के आसपास हो सकते हैं, 2-3 नंबर कम ज़्यादा यहाँ से रह सकते हैं, बीसीए और बी में भी 42-43 यानी 45 के आसपास, या फिर 42 में प्लस माइनस 2-3 नंबर आप काउंट कर लीजिए इस हिसाब से।
जहाँ तक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात है, अब डिपेंड है कि कितने कैंडिडेट ने ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई किया है, क्योंकि टोटल वैकेंसीज 158 हैं। ईडब्ल्यूएस की 158 वैकेंसीज है, यहाँ पे 158 वैकेंसीज हैं, और 158 वैकेंसीज में अब यहाँ पे हालांकि जाएगा जनरल से कम ही, और इतना आप लोग जानते हैं कि कैटेगरी के हिसाब से सबसे पहले 3 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया जाता है, उसके बाद अगर कोई कैंडिडेट जो है अगेंस्ट जनरल भी लग सकता है, क्योंकि अगर वो जनरल से ज़्यादा यहाँ पे स्कोर करता है। सबसे पहले 3 गुना कैटेगरी के हिसाब से बुलाए जाते हैं, तो 158 पे यहाँ पे यही 45 प्लस माइनस 2-3 नंबर यहाँ पे रह सकती है, 47 मान लीजिए आप लोग, 47 प्लस माइनस 2-3 नंबर यहाँ पे जो है ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जा सकती है, क्योंकि पेपर भी ठीक ठाक था, बच्चों की तैयारियाँ भी, कई बच्चों के अच्छे लेवल की अच्छी अच्छी तैयारियाँ थी यहाँ पे। लेकिन अब देखिए स्कोर कितना बड़ा है, क्योंकि ऑफिशियल आंसर की के साथ सब लोगों ने मैच करके यहाँ पे बताया है अपना अपना स्कोर कि किस किस हिसाब से कितना किसका कैंडिडेट का कैटेगरी के हिसाब से स्कोर बनता है। हालांकि ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, और वो इस हिसाब से कि जिस हिसाब से बच्चों ने यहाँ पे कमेंट किया है, अलग अलग वीडियो पे अलग अलग बच्चों ने कैटेगरी के हिसाब से अपना स्कोर यहाँ पे बताया है। हालांकि पूरी संभावना है किसी के आसपास ही यहाँ पे स्कोर रह सकता है कट ऑफ का भी। अब फाइनल जो है वो तो डीवी के बाद पता चल जाएगा, हमें और थोड़ी ज़्यादा श्योरिटी हो जाएगी, क्योंकि अब फिर हमें 5000 बच्चों में से 4800 में से छांटना वो आसान रहेगा, और तब जाने के बाद लोगों को पता भी है कि 10 नंबर में से कितने किसको मिलेंगे, ये तो डीवी के समय ही पता चलेगा कि एक्सपीरियंस के नंबर किस किस को मिलेंगे, जिनके एक्सपीरियंस हैं, क्या गवर्नमेंट वाले के एक्सपीरियंस के नंबर काउंट होंगे, प्राइवेट वाले के होंगे या सबके होंगे। तो एक्सपीरियंस के नंबर किसको मिलते हैं वो डिपेंड करता है जब डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी में किस किस के नंबर कितने मिलते हैं, उसके बाद ही फाइनल हम लोग कट ऑफ पर तक पहुँचेंगे। तब तक के लिए यहाँ तक आप लोग देखिएगा, और एक बार फिर से अगर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन का लिंक भी कल तक एक्टिवेट होगा, और वहाँ पे अपने आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो हैव ए नाइस डे, तब तक के लिए देखते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।